could test. Concept of heritage, the tradition, qualities and culture of a country that have existed for a long time and have great importance for the country is known as cultural heritage. Is it now clear to you? Hey, bhai, koi local bhasha mein bhi samjhao. Iske mutabik main aapko Urdu mein samjhati hoon. Ek mulk ki rawayat, khususiyat aur sakafat jo ek taweel arse se maujood hain aur jo mulk ke liye bahut ahmiyat rakhti hain. उसे ही हम हेरिटेज कहते हैं। अब आपको हिंदी में भी समझा लेते हैं। किसी देश की परंपरा, गुण और संस्कृति जो लंबे समय से मौजूद है और जिसका देश के लिए बहुत महत्व है, उसे हेरिटेज कहते हैं। अब तो आप सबको समझ आ गया होगा। हाँ हाँ, हम जो मंदिर में पीपल के पेड़ को ज्यादा पानी देते हैं, वो भी तो हेरिटेज हुआ। वो भी हेरिटेज हुआ। हाँ, वो भी हेरिटेज हुआ। अच्छा, मुझे बताओ, हम पीपल के पेड़ को ज्यादा पानी क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? बताओ बताओ, क्यों देते हैं? अच्छा, बताती हूँ। क्योंकि पीपल का पेड़ हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए पानी भी तो उसे ज्यादा ही देना चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि महात्मा बुद्ध को इसी पेड़ के नीचे क्यों ज्ञान आया था। का पौधा लगाना भी हेरिटेज हुआ। हाँ हाँ, वो तो हुआ ही। हाँ, और मैंने सुना है जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भूत भी नहीं होते। भूत? हाँ, भूत। अरे भाई, डरने की क्या बात है? अगर हम तुलसी का एक पत्ता रोज सुबह खाली पेट खाते हैं तो हमारे जो माइंड का इल्यूजन होता है वो दूर हो जाता है और भूत भाग जाता है। दादा बोलत रहने हैं कि बोलियन के पानी साफ रखिया और उमू दूध मिलैया, उससे नाग देवता बहुत प्रसन्न होइया। सही तो कहा था दादा।